जैसे कि देख पाओगे इसका बॉक्स कुछ इस तरह से यहाँ पर लिखे गए A71 5G और ऊपर में सैमसंग का ब्रांडिंग, यहाँ पर पंचोल कैमरा का डॉट पंचोल कैमरा वो यहाँ पर हाईलाइट किए गए, उसी के साथ साथ क्वाइट कैमरा मिलेगा वो भी दिख रहा है यहीं पर। सो गाइस ओवरऑल इसका बॉक्स आप लोग देखेंगे तो ऐसा कुछ आपको बॉक्स मिलेगा, यहाँ पर पंचोल कैमरा देख सकते हो, सैमसंग का ब्रांडिंग, क्वाइट कैमरा। और बॉक्स की साइड के बारे में बात करें तो बॉक्स की साइड पर सैमसंग A71 5G लिखे गए और गाइस ये 5G डिवाइस होने वाला है। तो गाइस ये होगा कुछ इस तरह से बॉक्स, दोनों साइड पर सेम चीज लिखे गए। तो इसी बॉक्स को ओपन करके देखते अपना मेन डिवाइस कैसा है, डिवाइस के बारे में हम लोग स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं और फर्स्ट लुक दिखाते हैं। तो फाइनली हम लोग बॉक्स को ओपन कर दिया वीडियो को स्किप करके, क्योंकि बहुत टाइम लगा था बॉक्स ओपन करने में, इसलिए मैंने वीडियो को स्किप कर दिया। एंड उसके बाद आपको इसी बॉक्स के नीचे आपको एक लिड मिल जाता है, जो कुछ इस तरह से लिड के अंदर क्या कुछ कंटेंट देखने को मिलता है इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से होने वाला, बैक साइड से ओपन करते तो यहाँ पर आपको सिम इंजेक्शन पिन देखने को मिल जाएगा, सिम इंजेक्शन पिन, और यहाँ पर कुछ सैमसंग का डॉक्यूमेंटेशन जिसको मैं साइड में रख देता हूँ, कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिल जाएगा। एंड उसी के साथ साथ आपको इसके साथ एक कवर देखने को मिल जाएगा, ट्रांसपेरेंट कवर, जिसको आप लगा सकते हो नहीं भी लगा सकते हो आपका मर्जी। सो कुछ इस तरह से आपको इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। सो जिसको साइड में कर देते अभी यार डिवाइस के बारे में बात करते और बात करते बॉक्स कंटेंट के बारे में। तो सबसे पहले आप जैसे कि देख पाओगे कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा, अपना ब्लू कलर वाला वेरियंट मेरे पास है। एंड गाइस बता दूं ये एक डमी वेरियंट, तो डिवाइस पहले प्लास्टिक रैपर से निकालते हैं। सो फाइनली हम लोग यहीं से निकालते हैं, मेरे पास ब्लू कलर वाला वेरियंट है, एक डमी वेरियंट, डमी के मतलब एक नकली डिवाइस है, कोई भी ओरिजिनल डिवाइस नहीं है। यहाँ पर आपको क्वाइट कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है। अभी डिवाइस को साइड में कर देता है, बॉक्स कंटेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर चार्जर देखने को मिल जाएगा 25 वॉट का, एक फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा 25 वॉट का, जो काफी बढ़िया बात है। तो इसको यहीं पर रख देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल जाता है, एक टाइप सी डेटा केबल, ओवरऑल देख सकते हो टाइप सी डेटा केबल देखने को मिल जाता है। गाइज इसका बैटरी इसके बारे में बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पर आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलता है, बड़ी बैटरी। बात करें इसका फ्रंट साइड के बारे में सबसे पहले, उसके बाद बात करेंगे इसका बैक साइड के बारे में। तो फ्रंट साइड पर आपको डॉट पंचोल कैमरा होगा। सो इसके अंदर आपको जो कैमरा होगा ना, मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर 32 MP का सेल्फी कैमरा होगा, जो काफी बढ़िया बात। एंड उसी के साथ साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगा, यानी आपको इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर पक्का ही मिलेगा, ठीक है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। अरे यार मैं क्या ही गलत बोल रहा हूँ। साथ साथ आपको यहाँ पर पंचोल कैमरा देखने को मिल जाएगा और उसी के साथ साथ 6.7 इंच का एक डिस्प्ले मिलेगा सुपर एमोलेड में, जैसे कि बताया 5G मतलब सेटअप होगा इसमें। बात करेगा इस प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें आपको सैमसंग का ही प्रोसेसर देखने को मिलेगा, सैमसंग एक्सिनोस 9 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। बात करें इसका बैक साइड के कैमरा इसके बारे में, तो आपको इसमें मेन सेंसर, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें आपको क्वाइट कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जो मैं अभी दिखाने वाला हूं। साथ साथ इसमें आपको मेन सेंसर जो होने वाला है 64 MP का, ठीक है, यहां पर 64 MP सेकंड वाला 12 MP, थर्ड वाला 5 MP एंड फोर्थ वाला 5 MP का देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल कैमरा मॉड्यूल कुछ इस तरह